पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के मझोला थाने में हंगामा करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के 6 नामजद और 35 अज्ञात भाजपाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि भाजपाइयों ने थाने में घुसकर जमकर हंगामा किया था और थाना प्रभारी के सामने ही टेबल पर फाइलें फेंक दी गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले में सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल मामला है जनपद मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र का, जहां पर 2 दिन पहले भाजपाइयों ने हंगामा किया था, जिसके बाद मझोला थाना प्रभारी जीत सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक बंगाली समाज के लोग हर साल दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं। एक गुट के लोगों ने दूसरे स्थान पर आयोजन करने के लिए अनुमति मांगी थी। इसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया था। इसके चलते दोनों पक्षों के 10 लोगों के खिलाफ धारा 107-16 की रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को भेजी गई थी। इस मामले में भाजपा के मंडल अध्यक्ष संजीव चौहान के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी। सात अक्टूबर को थाना मझोला पर कुछ व्यक्तियों द्वारा हंगामा किया गया, राजकीय कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया गया। इस संबंध में थाना मझोला पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।